जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम बनाएंगे लस्सी। गर्मी से राहत पाने के लिए हम कई फ्लेवर्स की लस्सी बनाते हैं, तो आज हम आपके लिए मैंगो लस्सी की रेसिपी लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंगो लस्सी बनाने के लिए हमने एक ब्लेंडिंग जार ले लिया है, इसमें हम एक आम ऐड कर देंगे। हमने एक मीडियम साइज़ का आम लिया और इसे छील कर इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अगर कटे हुए आम की क्वांटिटी देखेंगे तो ये तकरीबन एक कप जितने हैं। और इसी के साथ हमें इसमें ऐड कर देनी है दही। तो हमने यहाँ पर एक कप इस तरह पूरा ऊपर तक भर कर दही लिया है। दही की क्वांटिटी अगर वज़न के हिसाब से देखेंगे तो ये 250 ग्राम है। और अब हमें इसमें चीनी ऐड कर देनी है। हमने 3 टेबल स्पून चीनी ली है। आप जो आम लेंगे उसकी खटास कितनी है उस हिसाब से भी आप चीनी की क्वांटिटी कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब हमें इसमें 5 से 6 आइस क्यूब्स ऐड कर देने हैं। आप यहाँ पर फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो तकरीबन 30 से 35 सेकंड तक हमने सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया और अब हमारी लस्सी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितनी बढ़िया और क्रीमी हमारी मैंगो लस्सी बनकर तैयार हुई है। इसका टेक्सचर तो आप देख ही सकते हैं। तो इतनी आसान इसकी रेसिपी है और बहुत ही बढ़िया ये लस्सी बनकर तैयार होती है। तो आम के इस सीज़न में क्यों ना इस रेसिपी को ट्राई किया जाए। तो आपको हमारी मैंगो लस्सी की रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब लस्सी सर्व करने के बाद हम इसमें गार्निशिंग के लिए थोड़े से पिस्ता ऐड कर देंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से और भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं या फिर बारीक कटे हुए आम के टुकड़े भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं।